डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है और ये पूरे देश सहित दुनिया के कई देश में मनाई जा रही है और उनके विचार के वजह से पूरे दुनिया में ये एकमात्र संविधान जो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत को मिली, इसका देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती मनाई जा रही है और अभी हम झारखंड के जेसीडी में मौजूद हैं और जेसीडी के युवा लोग देखिए यहाँ पर जो है भीमराव अंबेडकर ये नारा लगा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? जी मेरा नाम हरि नारायण दास है और हम लोग पूरे जेसीडी मोहल्ले में जितना सारा भी गांव है दलितों का वहाँ से सब कोई आदमी एकजुट हो रहे हैं और हमारा मिशन है बाबा साहब का जो वो पूरा कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत बोधमय होगा और बाबा साहब का नाम गूंजेगा क्योंकि बाबा साहब ने इतने बड़े काम किए हैं आज तक किसी ने नहीं किया है। हमारे बाबा साहब हमेशा अमर रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं अब युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, वो इसलिए क्योंकि बाबा साहब की दी हुई ज्ञान, बाबा साहब की बातें आज पूरी दुनिया में विख्यात है और आज भारत सहित अमेरिका, इंग्लैंड और कई ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर इनकी जयंती मनाई जा रही है और ये इंटरनेशनल लेवल पर जयंती अब बाबा साहब अम्बेडकर की मनाई जाती है कि नहीं? बाबा साहब के सबसे बड़ा पर्व, हम लोग का सबसे बड़ा पर्व अम्बेडकर जयंती है और हम लोग धूमधाम से मनाते हैं हर साल। हमारा सिर्फ एक ही पर्व है, बाबा साहब की जयंती। बाबा साहब की कोई बातें जो आप लोग को याद हो? बाबा साहब ने हर एक समाज के लिए काम किया है। बाबा साहब के पास इतनी डिग्रियां थी, इतनी उपलब्धियां थी कि हम गिना नहीं सकते हैं। बाबा साहब सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर में आते हैं। तो क्या बाबा साहब के बातें आप लोग फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं, हम लोग जितना भी फॉलो कर रहे हैं और इस तरह के हम लोग के जुनून को देखते हुए एक दिन ऐसा आएगा जैसे हिंदू नव वर्ष मनाते हैं ना, चैत मास में शुरू होता है, उसी तरह आने वाले समय में 14 अप्रैल से नया भीम वर्ष शुरू होगा और ऐसा हम लोग की कामना है और हम लोग पूरा श्रद्धा के साथ ऐसा करना भी चाहते हैं और ऐसा एक दिन होगा भी। जी मेरा नाम गौरी शंकर दास है, मैं देवघर प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी से हूँ और साथ ही साथ जो है हम आज अपने जसीडी क्षेत्र के जितने भी दलित वर्ग के हैं सारे हमारे बहुजन साथी हैं, सब मिलकर हम लोग आज रैली निकाले हैं और साथ ही साथ हम लोग जो है वो बाबा साहब के कहे हुए वो तीन बातें, संघर्ष करो, संगठित हो और शिक्षित बनो। शिक्षित तो हम लोग लगभग हो ही चुके हैं, संघर्ष तो हम लोग शुरुआत से ही कर रहे हैं और अब संगठित होने का भी जो है वो काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जय भीम। देखिए यहाँ के युवा हैं जो यहाँ पर एक रैली निकाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, देखिए जय भीम के नारा लगाते हुए और यहाँ से आप लोग कहाँ तक जाइएगा? यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जैसे हम लोग पूरा जसीडी क्षेत्र घूमते हुए टावर चौक जाएंगे, टावर चौक के बाद अम्बेडकर लाइब्रेरी के पास पहुँचेंगे, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, हम लोग वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग दिन भर जो है आज कार्यक्रम हम लोग का पूरा है, बाबा साहब की आज 131वीं जयंती है तो हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ ये मना रहे हैं और हम सभी दलितों को ये कहना चाहेंगे आप के मीडिया के द्वारा कि आप लोग सब संगठित हो, संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं शुरू से और लगातार संगठित अगर यदि हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन हम इस देश के शासक होंगे, ये आप मत भूलिए, हम इस देश के शासक हैं और शासक थे, शासक रहेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बार संगठित अगर यदि हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम इस देश के शासक होंगे। हम भारतीय जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष है वामसेव संगठन से और ये सारे कार्यक्रम हम लोग कुमेठा स्टेडियम से लेके निकले हुए हैं, पूरा जेसीडी मार्केट भ्रमण करके और यहाँ से हम लोग टावर जाएंगे अंबेडकर लाइब्रेरी के पास में और वहाँ पे जो अंबेडकर साहब का जो बड़ा प्रतिमा लगा है आदमकद का उस पर हम लोग फूलमाला अर्पण करेंगे। उसके बाद से पूरा देवघर मार्केट में हम लोग आज पूरा रैली करेंगे। उसके बाद अंबेडकर लाइब्रेरी प्रांगण में हम लोग का अभी से शाम तक प्रोग्राम रहेगा, वहाँ पर हमारे सारे नेतागण लोग आ रहे हैं, वहाँ लाइब्रेरियन है, हम लोग हैं और हम लोग सब वहाँ पे आइए आप लोग भी। देखिए एक सवाल है आप लोग से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों को कैसे आप लोग अपने जीवन में, अपने लोगों के बीच, अपने समाज के बीच फॉलो कर रहे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कि जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने वो तीन बातें,
संघर्ष करो, संगठित हो और शिक्षित बनो। शिक्षित तो लगभग हमारे सभी दलित वर्ग जो है आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से आज जगह जगह पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग संघर्ष तो शुरुआत से ही करते हुए आ रहे हैं, संगठित होने का जो काम है वो अभी तक हमको लगता है कि मेरे नज़र से अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, इसीलिए हम संगठित होने का काम कर रहे हैं और संगठित करने का जो है काम वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। इसी बस और आपके कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे कोई खास एक वर्ग के लिए नहीं आवाज़ उठाए थे, बल्कि एक दबे कुचले वर्ग से लेकर के ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाए थे।